आइंस्टाइन को परमाणु की विध्वंसक खोज पर रंज हुआ, अपनी ही खोज पर उसका यह दुख और तंज हुआ। इसे कहते हैं ज्ञान, जो अपनी ही भूल पर हुआ परेशान। दुनिया को शांति की तलाश पर कुछ लोग बच्चों को जिहाद सिखाते हैं, धर्म के नाम पर बरगलाते हैं। एक इराकी बच्ची कह रही, कुछ दिनों तक हमने स्कूल जाना छोड़ दिया था, जब ज्ञान की किताबों में दीन और जिहाद जोड़ दिया था। वे बेचारे उठा रहे नुकसान, इसलिए हो गए परेशान। कई साथी छोटे छोटे बच्चे मर गए, ये शब्द उनके कानों में विस्फोट की तरह भर गए, इसलिए डर गए। कश्मीर में पत्थर ले खड़े जुम्मे की नमाज में, शायद यह तरीके फारूक साहब ही समझा पाएंगे, कैसे आए समाज में। पत्थरों का क्या काम, खुदा के लिए या बंदों के लिए है यह इंतजाम। आदिवासी युवक कह रहे, हम कश्मीर जाएंगे और पत्थरबाजों को अपना हुनर दिखाएंगे। सरकार करे विचार, और मैं कहता हूँ सरकार को कर ही लेना चाहिए स्वीकार। ओलंपिक में एक खेल पत्थरबाजी को बनाए तो शायद ये एकाध मेडल ले आए। अलगाव नहीं कश्मीरियत की आवाज, कश्मीरी नहीं धर्मांध हैं पत्थरबाज। ट्रंप साहब ये कल के आतंकी हैं, जेहादी दुनिया के लिए खतरा ए बर्बादी। जैसे अफगानिस्तान परेशान, परेशान बांग्लादेश, ये उससे नहीं अलग कुछ विशेष। यह सब चलता रहेगा यहाँ जब तक पाकिस्तान है शेष। चीन वाले साहब मित्रता निभाएं, मसूद को बचाएं, पर ये आपके लिए भी कर रहे सामान तैयार, दीजिए दुआएं। भारत इसलिए नहीं परेशान कि कल के हिंदू ही तो हैं जो आज मुसलमान। यही कुछ कह रहा विज्ञान, सो खून एक न एक दिन जाएगा अपनों को पहचान। जब होगा ज्ञान कि क्यों मारकाट मचाएं, जब हमारे पूर्वज भी बने मार मार मुसलमान। आतंकी और शैतानी असर जाएगा, खून एक न एक दिन अपना रंग दिखाएगा। शांति से सुकून से सबको है प्यार, जाहिल शैतान ही करता नफरत का इजहार। क्योंकि उसको लहू की प्यास है, राक्षसों का भी एक इतिहास है। अब्दुल्ला परिवार अपने थोड़े से फायदे के लिए आग न लगाए, नहीं तो आप भी न बचेंगे, सेना कितना भी बचाए। वही सबसे पहले जलते हैं जो आग लिए फिरते हैं। शांति ही दुनिया को भारत का पैगाम है, हिंसक सोच धर्मांधता का परिणाम है। सोच समझ का दायरा बढ़ाने से होता है ज्ञान, इसलिए नफरत बढ़ाने वालों से रहो सावधान। इसलिए नफरत बढ़ाने वालों से रहो सावधान। आइंस्टाइन को परमाणु की